नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर लाल कुआं के निकटवर्ती क्षेत्र हल्दुचौर में शराब की दुकान को पूर्व निर्धारित स्थान से नई जगह स्थानांतरण को लेकर क्षेत्रीय ग्राम प्रधान एवं महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन जाहिर किया गया। गौरतलब है कि जिस नई जगह पर शराब की दुकान खोलने की कोशिश की जा रही है उसके लगभग 200 मीटर में उत्तर भारत का प्रसिद्ध अष्टादश मंदिर मौजूद है, साथ ही साथ आवासीय कॉलोनी से यह पूरा क्षेत्र घिरा हुआ है। हमारा विरोध इस बात का है कि अगर देखिए यहाँ पे एक शांत माहौल है जहाँ पे कि गांव के छोटे छोटे बच्चे भी आगे भविष्य यहाँ पे बन रहा है और इसके बगल में ही एक अष्टभुजा लक्ष्मी माता का मंदिर है जहाँ प्रख्यात मंदिर है उत्तर भारत का, तो इन सभी शांतवादियों के बीच चाहे मतलब किसी भी ये इनके कारण जोड़ तोड़ करके ये माफिया लोग जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके नया यहाँ पे एक सेटअप करना चाहते हैं जिसको शिफ्ट करके नारायणपुरम की जो दुकान है उसको बताया जा रहा है कि यहाँ पे वो आएगी, तो यहाँ पे इस क्षेत्र की जिससे सांस्कृतिक सामाजिक विरासत जो हमारी है उसका ताना बुना इसको तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है उसके विरोध में हम लोग हैं। पहले तो ये होता है कि हम इनको जो भी जिस स्तर पर उन्हें अपनी मतलब ये परमिशन मिली है उसी स्तर पर ये बातें जाएँ और ये धीरे धीरे करके विरोध का जो हमारा बिगुल है ये गांव के जनमानस तक जाए और जनमानस इस बात को समझे। यहाँ का भी जो मैं शराब की दुकान खुलने जा रही है इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, बात करने करें इन लोगों ने, इनकी जो पहले दुकान जहाँ पे है इनकी अभी भी है और जंगल के पास है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती इसको यहाँ पे ला रहे हैं और जिसका मैं पूरा विरोध करती हूँ। मुख्यतः क्या वजह मानती है कि सबसे पहले तो यहाँ पे इतना हमारा महालक्ष्मी का मंदिर स्थिर है, यहाँ पे आए दिन गणेश महोत्सव और ये कृष्ण लीला वगैरह का इतना बढ़िया सुंदर आयोजन होता है यहाँ पे, और सामने आवासीय वो हैं लोग रहते हैं यहाँ पे, आने वाले समय में यहाँ पे कई अराजकता का माहौल फैल जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अब कब तक विरोध रहेगा? जब तक आप शासन प्रशासन को हमने सब कुछ संज्ञान में डाल दिया है। यहाँ पे आज जो ये शराब की दुकान खुलने जा रही है जो कि हल्दुचौर बबुरगुंडे के पास ये दुकान है, यहाँ पे शिफ्ट होने का ये सिलसिला यहाँ पे चल रहा है, लेकिन क्षेत्र की जनता यहाँ पे सारे महिलाएं पूरा क्षेत्र हमारा इसके विरोध में है कि यहाँ पे ये शराब की दुकान नहीं खुलेगी। सारी जनता पूरे क्षेत्र की जनता इसके विरोध में यहाँ पे खड़ी है शराब की दुकान नहीं खुलने के, उसमें मालूम ही नहीं है क्या क्षेत्र में हो रहा है, ये तो कहते हैं गुंडागर्दी के तौर पर हो रहा है, सभी बदमाशी के तौर पर हो रहा है। सभी शासन प्रशासन तक जाएंगे, कल DM और SDM को दोनों को हमने ज्ञापन दिया हुआ है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि शराब की यहाँ पे दुकान। यह उत्तराखंड का एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, इसकी स्थापना बड़े जोर शोर से बड़े उत्साह के साथ किया गया है। इसके परिसर के पास अगर शराब की भट्टी होती है तो हमारे धार्मिक वातावरण का नुकसान होगा, और इस तरह की जो अवैध भट्टियाँ यहाँ पर, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हमारे इस क्षेत्र के जो प्रधान हैं हम उनका समर्थन करते हैं कि वह इस तरह के गलत कार्यों का सहयोग न करें और उसमें जो कर सहयोग। ये नारायणपुरम में पूर्व में अंग्रेजी का ठेका चलता चला रहा, उसे शिफ्ट करने की बात की जा रही है, जो शिफ्ट होकर सुभाष पेट्रोल पंप के पास खोला जाना उस प्रस्तावित है, वहाँ पर कुछ निर्माण कार्य उनके द्वारा संभवतः किया जा रहा था। उस निर्माण कार्य को देखने के लिए महालक्ष्मी मंदिर के पुजारी जी और कुछ लोग मौके पर गए थे, जिनका लोगों का कहना है कि यहाँ पर अंग्रेजी का ठेका नहीं खुलना चाहिए, ये मंदिर के पास है, यहाँ पर काफ़ी ढाबे हैं और उनका ग्राम सभा वहाँ के नज़दीक है, इनके इस बारे में वो मौके पर गए थे, उन्होंने प्रशासन को बता दिया कि हम अगर यहाँ पर अंग्रेजी का ठेका खुलेगा तो हम इसका विरोध करेंगे और मौके पर नज़र रखी जा रही है, अगर किसी प्रकार का कोई भी वायलेशन धारा 144